तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। जी हाँ, टेक्स्ट फॉर्मूले में जो एडवांस फीचर्स होते हैं इसके बारे में हम आज आपके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सेल वैल्यू में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर करेक्टर को अलग करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग सर फॉर्मूला है लेफ्ट राइट एंड मिड। जी हाँ, लेफ्ट राइट एंड मिड का फॉर्मूला। तो लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, अगर हमने लेफ्ट फॉर्मूला लगाया तो लेफ्ट से जितना लेटर बोलेंगे उतना लेटर अलग करता है। टेन मिड का फॉर्मूला क्या करता है, मिड से जितना लेटर बोलेंगे उतना लेटर आपको अलग करता है। इसमें 5.3 कर दिया। और राइट का फॉर्मूला क्या करता है, इसमें से राइट से 3 लेटर अलग करता है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मेरे पास ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आपको एक सवाल देने वाला हूं आपको मैं। तो मुझे इसमें से एक आईडी को अलग करना है, जो आईडी है उसको अलग करना है और साइट है उसको अलग करना है, दोनों को अलग अलग सेल पे करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक फाइंड का, क्योंकि तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाता हूं और इसमें बोलेंगे कि 5 डिजिट अलग कर दे, कल के डेट में ईमेल आईडी चेंज हो या फिर नीचे और भी ईमेल आईडी हो तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हर में 5 लेटर तो नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेटर हो सकते हैं ना सर। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहां पे हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला होता है फाइंड। फाइंड फॉर्मूले में हम यहां पे एट द रेट दिया, इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा हमने दे दिया स्टार्ट नंबर 1, फाइंड एट द रेट और स्टार्ट नंबर 1 दे दिया। तो यहां पे देखिए 6 आ गया। 6 क्या आया, जो कुमार के अंदर जो एट द रेट है उसका पोजिशन आया। यहां पे हम बात करें कि राइट से क्या निकालेंगे, राइट का फॉर्मूला लगेगा, इसमें से मैं बोलूंगा कि मुझे लेंथ, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से -6 एट द रेट के बिहाव से अलग हो गया। अब यहां पे कोई भी ईमेल आईडी हो जितना बड़ा हो या छोटा हो, जैसे मैं यहां पे लिख दिया iptt@gmail.com, देखिए सुजीत अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। यहां पे जो है 5 जो है इसमें से हम कर देते हैं 16-1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 16 आया है वो एट द रेट तक का पोजीशन आया है। ठीक है, सर कि हम दो वर्ड को आपस में सेपरेट कैसे करते हैं। समझे, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन तो सीख लिया, अब ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे कि यहां पे मान लीजिए सुजीत है और यहां पे कुमार है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है आप कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें हमने स्पेस इसको सेलेक्ट किया, कुमार यहां ज्वाइन हो गया, या आप यहां पे एन परसेंट का भी ले सकते हैं। सर थोड़ा ये आंट का फंक्शन सर समझाएंगे, जो आंट लगता है उसको से बाद जो ऑब्जेक्ट देता है वो डिटेल से
उसके अंदर अगर आपको दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है तो आप जो है इसमें ऐड का एम्परसेंड का साइन दे सकते हैं इस तरह से, तो दोनों को ज्वाइन कर, जैसे प्लस करते हैं, जैसे मान ले दो नंबर को प्लस करना है तो आप करते हैं ना इसमें प्लस क्या सर, उस एंड के फॉर्मूले के अंदर कोई फॉर्मूला भी डाल सकते हैं क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज में समझाने जा रहा हूँ कि मेरे पास कोई डेट है, जैसे डेट है, मुझे इस डेट को जोड़ना है, अगर मैं इसमें कॉनकेट या एन परसेंट का हम लगाते हैं क्या होता है, इस तरह का टेक्स्ट आता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो डेट चाहिए, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास में बताया था, ठीक है, जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। तो सेम टेक्स्ट फॉर्मूला हम यहां चाहते हैं, तो जो A13 है इसको हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसको आपको ज्वाइन करना है तो उस एड फंक्शन के अंदर जिसको फिक्स करना है उसको और इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। ये तो टेक्स्ट का फॉर्मूला है ना सर, ये टेक्स्ट फॉर्मूला का पार्ट है, जो स्पेस टू लिखा है उसको फिक्स रखना पड़ेगा। ये तो टेक्स्ट को जो टेक्स्ट होगा उसको तो इन्वर्टेड कॉमा में डालना ही पड़ेगा ना सर। ठीक है ठीक है, एंड तो जस्ट गोंद की तरह काम करता है सर, ठीक है जी सर, गोंद की तरह बिल्कुल काम करता है। अब एक लिस्ट को मुझे करना है, कैसे करें लिस्ट, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉनकेट का, कॉनकेट फॉर्मूला को यूज कर सकते, ओके? लेकिन इसमें सेपरेटर नहीं आता है। आप सेपरेटर चाहते हैं तो टेक्स्ट ज्वाइन यूज कीजिए। जी हाँ, टेक्स्ट ज्वाइन इसमें आपको देना होता है, क्या ज्वाइन करना है, ब्लैंक को इग्नोर करना है, उसके बाद एक टेक्स्ट पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका टेक्स्ट ज्वाइन हो जाता है। ओके सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें सर? नहीं, तो इसका ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि ये जो फीचर्स है वो सिर्फ 2019 में आपको दिखेंगे, समझ गया सर। जी। अब आपको ये देना है, इसमें एक प्रोजेक्ट करना है,